नमस्कार दोस्तों, अलवर की आरआरबीएमयू यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है। बीएससी बीएड के एग्जाम जो है वो 28 सितंबर से होने वाले हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सितंबर के लास्ट में एग्जाम होंगे, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, कैसे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि इतने से दिन बचे हुए हैं, अब 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, अब एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो कईयों ने तो एग्जाम की तैयारी नहीं की है, पहले ही पढ़ना छोड़ दिया था। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो बीएससी बीएड से हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है इन एग्जाम्स के लिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपके साथ के जो भी बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं या कोई जानकारी में है, तो आप उन सब लोगों को ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि उन सब के लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। क्योंकि लोकेश सर आपको बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कैसे नंबर अच्छे आ सकते हैं, आप एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं अभी भी आप पढ़ के। ठीक है, सबसे पहली बात, ये एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी बातें मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, जो आपके एग्जाम होंगे, अगर आपने एग्जाम का टाइम टेबल देखा है, तो आपका जो पेपर है वो ओनली 1.5 घंटे का होने वाला है। आपका जो एग्जाम पेपर है वो ओनली 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे के एग्जाम पेपर का मतलब है कि आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, जैसे आपने पिछली बार किया था, लास्ट ईयर किया था, वैसे ही सॉल्व करना है। आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। आपको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 33 नंबर का पेपर है, तो आपको आधा पेपर ही सॉल्व करना है। 17.5 नंबर का आपको पेपर सॉल्व करना है, 17 लगा लीजिए आप, 17.5 लगा लीजिए, तो आपको केवल आधा पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर ये अगर हमने आधा पेपर सॉल्व किया तो उसमें हमारे अच्छे नंबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही यही है कि आपको पूरा पेपर सॉल्व ना करके आधा पेपर सॉल्व करना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे करें? अब मान लीजिए आपके पास किसी पेपर में, मान लीजिए आपके पास पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथ है, आप जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है आपके पास, तो केमिस्ट्री में मान लीजिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन आता है, उस पहले क्वेश्चन के 2 भाग होंगे, है ना, वहां पे 2 भाग होंगे, पहला दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। तीसरा आता है, उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। चौथा आता है, उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। और पांचवा आता है, उसमें भी 2 क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम का पैटर्न आपका हाफ वाला है, आपको आधा करना है। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि आपके पास कितनी यूनिट है, कितने क्वेश्चंस है। आपको जो पूरा पेपर सॉल्व करना है, जितने नंबर का पेपर है उसका आधा सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपका 33 नंबर का पेपर है, तो आपको ओनली 17.5 नंबर का सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आपका 50 नंबर का पेपर आता है टोटल, तो आपको केवल 25 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखना, आपके पास मान लीजिए हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्या होता था, पहले क्या होता था कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे और आप केवल 1 क्वेश्चन कर सकते हो, मेरी बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जो पिछली बार था वैसा ही है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ये ऑफर आपके लिए सिर्फ इस बार है, अगली बार से नहीं होगा, गारंटी लीजिए, लिख के ले लीजिए, ये ऑफर अगली बार से नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने ये जो आधा ऑफर दिया हुआ है आपको कि पेपर आपको आधा करना है, 3 की जगह 1.5 घंटे का पेपर होगा, जितने नंबर का पेपर आता है उसका आधा करना है, उसके अलावा 1 यूनिट के आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो इसलिए आपको वो 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, ध्यान रखना। तो आपके लिए कितना सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, आपको ओनली 2.5 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आधा का मतलब है 2.5 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
यानी कि आपके पास जो एग्जाम में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से आपने अगर 2.5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, अगर आपने 2.5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया अगर आपने 2.5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर पास होने के लिए कितना जरूरी है। भाई पास होने के लिए तो जरूरी है ही नहीं। क्यों? पास होने के लिए तो अगर आप केवल एक यूनिट पढ़ लेते हो ना, बीएससी बीएड में एक यूनिट पढ़ लेते हो, आप एक यूनिट में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको कम से कम 1.5 यूनिट 2 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। आप 2 यूनिट पढ़ लो, जो यूनिट आपको अच्छी लगती है ना वो 2 यूनिट पढ़ लो, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आप हो सकता है टॉप कर जाओ। ठीक है, तो आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ, आज ही दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि हमें लोकेशन ने बताया नहीं। तो मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ कि आप कोई सी भी 2 यूनिट पढ़ लीजिए, आपका कोई सा भी पेपर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, आप अच्छे से 2 यूनिट पढ़ लीजिए हर पेपर में। अगर आपने हर पेपर में 2 यूनिट पढ़ ली तो आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको ओनली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो 2 यूनिट में से मिल जाएंगे, आपका पेपर शानदार जाएगा, आप टॉप कर जाओगे यूनिवर्सिटी में। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कौन कौन सी यूनिट करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किताबों की शक्ल नहीं देखी कि किताब होती कैसी है, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं चाहता हूं कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आऊं, एक वन शॉट वीडियो लेके आऊं जिसमें आपको 1.5-2 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री करा दूं, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स हो जाए, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरी मैथ हो जाए हर पेपर की, तो कितना बढ़िया रहे ना अगर आपका 1.5-2 घंटे में सब कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर बीएससी बीएड के स्टूडेंट अपनी हाजिरी देंगे कि हाँ सर हम बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं, ऐसी क्लास लेकर आओ। सच बात बता रहा हूं, एग्जाम से जिस दिन एग्जाम होगा ना उससे 1-2 दिन पहले क्लास लेकर आऊंगा। आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, गारंटी है। ठीक है, और जिन स्टूडेंटों ने हमसे कोर्स लिया हुआ है, जिन स्टूडेंटों ने हमसे कोचिंग ली हुई है, उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके तो वैसे ही अच्छे नंबर आने वाले हैं क्योंकि वो हमसे पढ़े हुए हैं। लेकिन जो हमसे नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेशल क्लास लगवाऊँ 1.5-2 घंटे की हर पेपर की, आपको बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आप किस कॉलेज से हो। इसके अलावा अगर कोई नेक्स्ट ईयर में जैसे मान लीजिए हमसे पढ़ना चाहता है, हमसे क्लास लेना चाहता है, तो हमारा एप्लीकेशन है KWS क्लासेस के नाम से, साथ में क्लासेस लेने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, या नोट्स के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो नोट्स के लिए और क्लासेज के लिए कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो अपनी राय है आपकी और जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।